हेलो एवरीवन आई एम डॉक्टर सारिका और आज हम एक नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं क्लास टेंथ का चैप्टर नंबर एट जिसका नाम है हाउ डू ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस तो सबसे पहले हम एक बार कंटेंट देख लेते हैं कि इस चैप्टर में हम कौन कौन से टॉपिक कवर करने वाले हैं तो पहला आपका टॉपिक है इस चैप्टर का रोल ऑफ डी इन रिप्रोडक्शन सेकेंड है वॉट इज सेक्शुअल एंड एसेक्शुअल रिप्रोडक्शन थर्ड है आपका मोड्स ऑफ ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन देन हम पढ़ेंगे सेक्शुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स उसके बाद है आपका सेक्शुअल रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन बींग्स जिसमें हम बात करेंगे मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की सो लेट अस स्टार्ट विद द फर्स्ट टॉपिक द रोल ऑफ डीएनए इन रिप्रोडक्शन सबसे पहले आप रिप्रोडक्शन से क्या समझते हैं रिप्रोडक्शन मीन्स प्रोडक्शन ऑफ न्यू ऑर्गेनिजम्स फ्राम द एग्जिटिंग ऑर्गैनिज्म ऑफ द सेम स्पीशीज मीन्स आप अगर अपने चारों तरफ देखो जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं चाहे वो एनिमल्स हो चाहे प्लांट्स हो बर्ड्स हैं दे ऑल प्रोड्यूस अ न्यू ऑस्ट्रिंग ऑफ देयर ओन काइंड दैट मीन्स ऑल ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस लेकिन क्यों सपोज करो कि अगर कोई ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस ही नहीं करे तो क्या होगा देन देयर वुड बी नो वन टू रिप्लेस देम अब जैसे हम एग्जांपल ले एनिमल्स की बात करें हम लोग को मालूम है कि ऑल ऑर्गेनिजम्स इवेंचुअली डाई तो जब उनकी हो जाएगी आफ्टर अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम तो उनके प्लेस को लेने के लिए कोई और ऑर्गैनिज्म भी तो होना चाहिए ना उस सेम स्पीशीज़ का जैसे अगर हम एनिमल्स की बात कर रहे हैं अगर एनिमल्स रिप्रोड्यूस ही नहीं करे, देन आफ्टर अ सर्टन पीरियड ऑफ टाइम दे विल डाई देन वट वुड हैपन इफ दे वुड बी नो वन ऑन दिस अर्थ अगर मैं आपसे ये कहूँ कि एनिमल रिप्रोड्यूस ही नहीं करे तो क्या होगा इफ़ एनिमल्स डू नॉट रिप्रोड्यूस देन आफ्टर अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम देयर वुड बी नो एनिमल्स ऑन दिस अर्थ राइट तो रिप्रोडक्शन इंपॉर्टेंट है क्योंकि हम जानते हैं कि हर एक स्पीशीज़ एक लाइफ स्पेन के बाद एग्जिस्ट नहीं करेगा वो अर्थ के ऊपर तो अगर एग्जिस्ट नहीं करेगा तो उसके रिप्लेसमेंट में भी हमारे पास कोई स्पीशीज़ होनी चाहिए तो इसीलिए रिप्रोडक्शन इम्पॉर्टेंट है एंड इट इज़ ओनली बिकॉज ऑफ रिप्रोडक्शन दैट यू एंड आई आर ऑन दिस अर्थ टूडे क्योंकि अगर रिप्रोडक्शन ही नहीं होता और तो आप और मैं भी नहीं होते यहाँ पे है ना तो रिप्रोडक्शन हमारे लिए उतना ही इम्पॉर्टेंट है स्पीशीज़ का सर्वाइव करने के लिए अब रिप्रोडक्शन की तो बात हो गई अब कभी आपने ये चीज़ देखा होगा कि कोई भी ऑर्गेनिज्म है चाहे वो एनिमल हो प्लांट हो बर्ड हो कोई भी ऑर्गेनिज्म है वो हमेशा अपनी सेम स्पीशीज को ही उसी के न्यू ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस करता है फॉर एग्जांपल, जैसे कितन है इसका जो बॉडी डिज़ाइन है ये एकदम सिमिलर है कैट से है ना? जैसे पपी है पपी का बॉडी डिज़ाइन एकदम सिमिलर है डॉग से सिमिलरली ह्यूमन बेबी का जो बॉडी डिज़ाइन है वो एकदम सिमिलर है ूमन बींग से तो ऐसा कैसे पॉसिबल है आई मीन वाई ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस्ड सिमिलर बेबी कैसे करते हैं तो इसका जो आंसर है वो है डी एन ए दैट मीनस डी ऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड डीएनए की डेफिनेशन की अगर हम बात करें तो डी एन ए होता है आप इसकी फुल फॉर्म देखोगे तो डी ऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड अब देखो ये है आपका डीएनए का स्ट्रक्चर ये आपका सेल है हम सेल ऑलरेडी पढ़ चुके हैं जिसके बीच में एक न्यूक्लियस होता है और ये जो आपको दिख रहा है ये वाला ये ये क्रोमोजोम है जो इलाज करके यहाँ पे दिखाया है तो अब डीएनए क्या करता है डीएनए इट कैरीज इंफॉर्मेशन फ्रॉम वन जनरेशन टू नेक्स्ट एंड इट हैज़ ब्लू प्रिंट्स यूनिक फॉर ईच स्पीशीज एंड इंडिविजुअल अब जो डी में जो क्रोमोजोम होते हैं बेसिकली ये इंफॉर्मेशन को लेकर जाते हैं और ट्रांसफ़र करते हैं न्यू ऑफस्प्रिंग में इन द फॉर्म ऑफ डीएनए अब डीएनए क्या है डीएनए हमारा इंफॉर्मेशन सोर्स है जो हमारे बॉडी में प्रोटीन्स को बनाता है है ना और इट आल्सो परफॉर्म अ लॉट ऑफ इम्पॉर्टेंट फंक्शंस इन आवर बॉडी दे आर फोर द इंपॉर्टेंट इवेंट इन अवर बॉडी इज द क्रिएशन ऑफ डी एन ए ये इंपॉर्टेंट है अब कैसे होता है एक सिंगल डी एन ए एक कॉपी बनाता है फिर वो कॉपी बनाने के बाद सेपरेट हो जाता है एंड देन इट गिव राइज टू अ टू न्यू सेल्स जैसे हम लोग देखते हैं अभी सपोज ये आपका डी एन ए है ठीक है इसने क्या किया एक ही सेल में ये आपका सेल है दो कॉपीज बना ली अपने डीएनए की हमने अभी पढ़ा है कि फ्रॉम अ सिंगल डीएनए अ कॉपी इज मेड अब इसने क्या किया जब सेल डिवीज़न हुआ बिकॉज द कॉपिंग ऑफ डीएनए इज फॉलोड बाय सेल डिवीज़न। तो जब सेल डिवीज़न हुआ ये फॉर्म आई आपकी डीएनए की और फाइनली क्या हुआ आपके पास दो कॉपीज आ गई आपके पास न्यू ऑर्गेनिज्म फॉर्म हो गया तो इस तरीके से डीएनए कॉपी बनाता है अब अगर आप इन दोनों को देखें तो दीज टू सेल्स और मैं ये भी कह सकती हूँ ये जो न्यू ऑप्शन प्रोड्यूस हुए ये सिमिलर तो है बट दे आर नॉट आइडेंटिकल जैसे अगर हम ह्यूमन स्पीशीज़ की बात करें तो सारी स्पीशीज़ सेम होती है ह्यूमन्स में आता है लेकिन आप और मैं हम दोनों की क्या शक्ल मिलती है नहीं मिलती ना हम एक दूसरे से एक दूसरे के सिमिलर तो हैं लेकिन हम आइडेंटिकल नहीं हैं दैट मीन्स आप में और मुझ में बहुत सारे वेरिएशन्स हैं मतलब आपकी आदतें और होंगी मेरी आदतें और होंगी उसको भी छोड़े तो अगर हम शक्ल की भी बात करें तो आपकी शक्ल कुछ और है और मेरी शक्ल कुछ और है तो दैट मीन्स जो डीएनए कॉपी अपनी बनाता है वो सिमिलर तो होती है बट वो आइडेंटिकल नहीं होती देयर वुड बी सम वेरिएशन इन दीज कॉपीज़ अब ये वेरिएशन क्यों इम्पॉर्टेंट है ये वेरिएशन इसलिए इम्पॉर्टेंट है बिकॉज दे गिव देम अ चांस टू सर्वाइव वन इन्वायरमेंटल चेंजेस टेक्स प्लेस अगर क्योंकि डीएनए जो है हमारा वो बायोकेमिकल प्रोसेस है तो उसमें वेरिएशंस तो आएंगे और अगर वेरिएशंस हैं तो वो इम्पॉर्टेंट भी हैं मतलब उसका हमें फ़ायदा है वेरिएशंस का हमें लॉस नहीं है इस चीज़ का जैसे हम लोग एक चीज़ देखते हैं वेरिएशन में ही एक एग्जांपल लेते हैं बैक्टीरिया का सपोज ये बैक्टीरियाज हैं ठीक है और एक और हम लोग स्पीशीज लेते हैं बैक्टीरियाज की ये हो गए अब जो ये वाले बैक्टीरियाज हैं वो हीट रेजिस्टेंस है हीट रेजिस्टेंट तो जब इन्वायरमेंटल चेंजेस होंगे जैसे ग्लोबल वार्मिंग है ग्लोबल वार्मिंग होगा तो टेम्परेचर इंक्रीज़ होगा और जब टेम्परेचर इंक्रीज़ होगा तो ये जो हीट रेजिस्टेंस वाले हैं ये उस टेम्परेचर को टॉलोरेट कर सकते हैं लेकिन जो ये वाली स्पीशीज़ है ब्लू वाली ये उसको टॉलोरेट uh, नहीं कर सकती तो क्या होगा कि ये वाली स्पीशीज़ जो है वो यहाँ से डिस्ट्रॉय हो जाएंगी ड्यू टू इन्वायरमेंटल चेंजेस और जो बचेगा वो सिर्फ ये वाली स्पीशीज होंगी जो हीट रेजिस्टेंस है सो दैट मीन्स वेरिएशन हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है ऑल दी वेरिएशंस आर इम्पॉर्टेंट बिकॉज दे गिव देम आर चांस टू सर्वाइव वन इन्वायरमेंटल चेंजेस टेक्स प्लेस सो ये था आपका रोल ऑफ डी इन रिप्रोडक्शन ठीक है अब सेकेंड जो हमारा टॉपिक है वो है वॉट इज सेक्शुअल रिप्रोडक्शन एंड वॉट इज ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन अगर हम ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन की बात करें इट मीन्स ऑफ्रिंग अराइजेज फ्रॉम वन सिंगल पेरेंट विदाउट दी इन्वॉल्वमेंट ऑफ गैमेट्स और सेक्स सेल्स। मतलब कि यहाँ से जो एक ऑफ प्रोड्यूस होगा न्यू ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस होगा वो सिर्फ सिंगल पेरेंट से हो सकता है और जब हम बात करेंगे सेक्शुअल रिप्रोडक्शन की इट मीन्स ऑफ स्प्रिंग अराइजेज वेन बोथ द पेरेंट्स ऑफ डिफरेंट सेक्सेस आर इन्वॉल्व विद दी इन्वॉल्वमेंट ऑफ गैमिट्स और सेक्स सेल्स अब जैसे हम इन दोनों में डिफरेंस देख लेते हैं एक जो आपका ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन है वो हमें मालूम है कि उसमें सिंगल पेरेंट की रिक्वायरमेंट होती है बट अगर हम सेक्शुअल रिप्रोडक्शन की बात करें तो इसमें दोनों पेरेंट्स की जरूरत होती है मदर की भी और फादर की भी नेक्स्ट जो है आपका ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन में इट शोज़ लेस वेरिएशन बट इन सेक्शुअल रिप्रोडक्शन मोर वेरिएशन आर प्रोड्यूस्ड नेक्स्ट है आपका गेमीट्स डू नॉट इन्वोल्व जो आपके सेक्स सेल्स होते हैं उसको हम गेमीट्स बोलते हैं तो ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन में वो इन्वॉल्व नहीं होते हैं बट इन केस ऑफ सेक्शुअल रिप्रोडक्शन इट इन्वॉल्व्स एंड प्रोड्यूस टू फॉर्म जाईगॉट अगर हम ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन की बात करें तो ऑर्गेनिजम्स हैव अ सिंपल बॉडी डिज़ाइन इन केस ऑफ ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन बट इन केस ऑफ सेक्शुअल रिप्रोडक्शन ऑर्गेनिजम्स हैव अ कॉम्प्लेक्स बॉडी डिज़ाइन तो यहाँ पे आपका रोल ऑफ डीएनए इन रिप्रोडक्शन हो गया व्हाट इज सेक्सुअल एंड ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन हो गया जो आपका डीएनए का स्ट्रक्चर है वो एक्चुअली हम हायर क्लासेस में डिटेल में स्टडी करेंगे ठीक है तो अब इसके बाद आपका नेक्स्ट टॉपिक था कंटेंट में मोड्स ऑफ ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन ये आपके मोड्स हैं पहला है फिशन सेकेंड आपका फ्रेगमेंटेशन देन आपका रीजनरेशन फिर आपका बडिंग देन वेजिटेटिव प्रोपेगेशन एंड देन स्पोर फॉर्मेशन सो लेट अस डिस्कस वन बाय वन पहला हम लेते हैं फिशन फिशन क्या होता है जो सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिजम्स होते हैं दे डिवाइड दे सिंपली डिवाइड और ब्रेक इंटू टू इक्वल हाफ्स, लीडिंग टू दी फॉर्मेशन ऑफ न्यू ऑर्गेनिजम्स जैसे आपका फिशन का एग्जाम्पल है अमीबा अमीबा क्या करता है ये एक सिंगल सेल है ये सिंपली डिवाइड होगा टू इक्वल हाफ्स में ठीक है अब क्योंकि ये दो सेल्स में डिवाइड कर रहा है मतलब ये टू न्यू ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस कर रहा है इसलिए इसको बोलते हैं बाइनरी फिशन लेकिन कुछ एग्जाम्पल्स ऐसे होते हैं जो डिवाइड करते हैं मोर देन टू डॉटर सेल्स में जैसे आपका एक एग्जाम्पल है प्लास्मोडियम प्लास्मोडियम या मल्टी सेलुलर है ये क्या करता है दे डिवाइड इनटू मेनी डॉटर सेल्स साइमल्टेनियसली जैसे आपका ये सेल है इसने बहुत सारे सेल्स प्रोड्यूस कर दिए ठीक है उसके बाद डॉटर सेल्स रिलीज हो गई फेवरेबल कंडीशन में मतलब एक से बहुत सारे डॉटर सेल्स रिलीज हो गए तो इसको हम बोलते हैं मल्टीपल फिशन ठीक है ये था आपका फिशन नेक्स्ट है आपका फ्रेगमेंटेशन फ्रेगमेंटेशन मीन्स जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं दे हैव द एबिलिटी टू डिवाइड इनटू टू सेल्स फ्रेगमेंट का मतलब क्या समझते हो एक बॉडी पार्ट लिया उसके हमने फ्रेगमेंट्स कर दिए तो जो ईच फ्रेगमेंट होगा दे गिव राइज टू अ न्यू ऑर्गेनिज्म जैसे ये आपका डायग्राम है मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म का इसका हमने फ्रेगमेंट लिए दो कट कर दिया हमने तो जो फ्रेगमेंट एक सिंगल फ्रेगमेंट लिया वो इट्स कंसिडर होगा एक फ्रेगमेंट प्रोड्यूस करेगा एक नए ऑर्गेनिजम्स को और जो दूसरा है दूसरे दूसरे ने भी यही किया एक न्यू ऑर्गेनिज्म में उसको प्रोड्यूस कर दिया तो इसको हम बोलते हैं फ्रेगमेंटेशन थर्ड है आपका रीजनरेशन रीजनरेशन में क्या होता है जो पेरेंट प्लांट बॉडी होती है अगर उसके कुछ ऐसे बॉडी पार्ट्स होते हैं कि अगर आप उन बॉडी पार्ट्स को कट कर दो तो वो एक सिंगल बॉडी पार्ट ही एक न्यू ऑर्गेनिज्म को जनरेट कर देगा प्रोड्यूस कर देगा जैसे आपका एग्जांपल है प्लेनेरिया प्लेनेरिया क्या करता है ये आपका प्लेनेरिया ऑर्गेनिज्म है आपने इसको तीन पार्ट्स में कट कर दिया पीसिस कर दिए उसके ये देखिए तीन पीसेज हो गए अब ये तीनों पीसेज ड्यू टू दिस सेल डिवीजन एक नए ऑर्गेनिज्म में प्रोड्यूस हो जाएंगे तो इसी प्रोसेस को हम बोलते हैं रीजनरेशन मतलब एक बॉडी पार्ट से पूरा का पूरा एक ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस हो गया दैट इज कॉल्ड रीजनरेशन और इसका एग्जांपल है प्लेनेरिया नेक्स्ट है आपका बडिंग बडिंग में क्या होता है कि जो पेरेंट प्लांट बॉडी होती है उसका एक स्मॉल पोर्शन होता है वो एक्चुअली ग्रो करने लगता है एज अ बर्ड अगर आप ये वाला डायग्राम देख रहे हो तो ये पेरेंट प्लांट बॉडी है इसमें ये वाला जो पार्ट है ये अपने आप ग्रो करने लगा ग्रो करते करते क्या होता है ड्यू टू द रिपीटेड सेल डिवीजन जब ये मेच्योर हो जाता है और फुल्ली डेवलप्ड हो जाता है तो उसके बाद ये अटैच हो जाता है फ्रॉम द पेरेंट प्लांट बॉडी और एक न्यू ऑर्गेनिज्म में कन्वर्ट हो जाता है इस बड़िंग का एग्जांपल है आपके पास हाइड्रा ये हाइड्रा है एक छोटा सा बड यहाँ पे ग्रो करना शुरू हुआ जैसे ही ग्रो किया सेल डिवीजन होते चले गए उस पेरेंट प्लांट बॉडी में और वो फुल्ली डेवलप्ड होके अपनी पेरेंट प्लांट बॉडी से डीअटैच हो गया और एक न्यू ऑर्गेनिज्म में प्रोड्यूस्ड हो गया सो दिस इज़ कॉल्ड बडिंग नेक्स्ट है आपका वेजिटेटिव प्रोपेगेशन इट अकर्स ओनली इन प्लांट्स उसमें क्या होता है कि आपका कोई भी प्लांट पार्ट है ओल्ड प्लांट पार्ट से आप एक न्यू प्लांट डेवलप कर सकते हैं जैसे आपका स्टेम हो गया आपका लीव्स हो गया रूट्स हो गया और वेजिटेटिव प्रोपेगेशन की अगर मैं एग्जांपल की बात करूं तो जैसे आपके पास प्लांट है शुगर केन रोज़ ये जितने भी हैं ये ड्यू टू वेजिटेटिव प्रोपेगेशन न्यू ऑर्गेनिजम्स प्रोड्यूस करते हैं इसका एक एडवांटेज है कि हम वो प्लांट्स भी प्रोड्यूस कर सकते हैं जो दे हैव लॉस देयर एबिलिटी टू प्रोड्यूस सीड्स जिनकी जिनकी एबिलिटी लूज हो जाती है सीड्स प्रोड्यूस करने की उन प्लांट्स को भी हम प्रोड्यूस कर सकते हैं ड्यू टू वेजिटेटिव प्रोपेगेशन नेक्स्ट है आपका स्पोर फॉर्मेशन इसमें क्या होता है कि द पेरेंट प्लांट बॉडी दे प्रोड्यूस हंड्रेड्स ऑफ माइक्रोस्कोपिक रीजनरेशन यूनिट्स जिसको हम बोलते हैं स्पोर्स आपने देखा होगा बहुत सारे फ्लास्क में ऊपर uh, की साइड में छोटे 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 स्पोर्स होते हैं जब वो स्पोर्स प्रोड्यूस करते हैं उसके बाद क्या होता है कि वो स्प्रेड हो जाते हैं सारे स्पोर्स इन्वायरमेंट में अब कुछ स्पोर्स जो हैं दे लैंड ऑन फूड कुछ जो है दे लैंड ऑन सॉइल और सच सब्सटेंस ठीक है तो अब जैसे ही वो स्प्रेड होते हैं जैसे ही उनको उनकी फेवरेबल कंडीशन मिल जाती है ग्रो करने के लिए तो वो एक न्यू ऑर्गेनिज्म में प्रोड्यूस हो जाते हैं जैसे इसका एग्जाम्पल आपके पास है राइजोपस ठीक है तो ये जो आपने अभी पढ़ा बाइनरी फिशन फ्रेगमेंटेशन रीजनरेशन स्पोर फॉर्मेशन वेजिटेटिव प्रोपिगेशन बर्डिंग की सारे जो एग्जाम्पल्स थे ये ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन के एग्जाम्पल्स थे यहाँ पे हम लोग इसको ख़त्म करते हैं नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे सेक्शुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स एंड सेक्शुअल रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन बींग्स टिल देन की प्रोवाइजिंग